इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान, और सह प्रायोजक हैं मोती महिला महाविद्यालय मऊरानीपुर, गुप्ता ट्रैक्टर एजेंसीज मऊरानीपुर, होटल पीएल गेस्ट हाउस मऊरानीपुर, श्रीराम महाविद्यालय बंगरा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दर्जा प्राप्त खाद एवं बीज विभाग के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह सोमवार की सुबह मऊरानीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मऊरानीपुर के भाजपा नेताओं से मुलाकात की। दरअसल राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, जो मऊरानीपुर किसानों की समस्या जानने पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि प्रदेश की योगी सरकार किसानों के हित में बहुत सारे कार्य कर रही है, लेकिन जिसको लेकर जगह जगह कार्यकर्ताओं व किसानों के साथ बैठक की जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि हाल में ही पेश हुए बजट में बुंदेलखंड के किसानों को अनदेखा किया है, तो उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दुगनी करने के प्रयास कर रही है, लेकिन कैसे करेगी, इस सवाल को वह टाल गए। इसके अलावा वे दिल्ली चुनाव में हुई हार पर भी चुप्पी साध गए। सर, आज आपका भ्रमण किस उद्देश्य को लेकर किया है? बीज विकास निगम के संयंत्रों की जांच हो रही है, किसानों की बीज की उपलब्धता की जांच हो रही है, किसानों का बीज कहां कहां सही रूप में उपलब्ध हो पा रहा है, कहां क्या दिक्कत है, उसकी बैठकें आहूत की गई हैं। हर जनपदवार ये व्यवस्था चल रही है। सर, इस बार जो बजट आया है उसमें बुंदेलखंड के किसानों को नदारद किया गया है, ऐसा कहीं नहीं है। बुंदेलखंड की पीड़ा मुख्यमंत्री जी बखूबी उसको समझने का प्रयास किए हैं और किसानों की आय दोगुनी करने का भी प्रयास किया है। अभी उरई में हमने बैठक किया है, उसके पूर्व में और भी जनपदों में हमारी बैठकें लगातार चल रही हैं। इधर बनारस, गाजीपुर, उधर चले जाइए पश्चिमांचल में मेरठ, सहारनपुर, सब जगह हमारी बैठकें चल रही हैं। हर जिले की व्यवस्था को देखते हुए उनको सुव्यवस्थित कराने का सफल प्रयास किया जा रहा है। और किसानों बुंदेलखंड में मटर बहुतायत मटर होता है, बुंदेलखंड में टमाटर बहुतायत होता है, बुंदेलखंड में चना बहुतायत होता है, सबके लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था हमने देने का सफल प्रयास कर रहे हैं। सर, इस बार जो दिल्ली चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है और पूरे देश के बड़े से बड़े दिग्गज रहे हैं, इस हार का पर आपका क्या कहना है? देखिए, हार जीत या तो क्रम लगा रहता है। हम अपने कार्य पर विश्वास करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी प्रमुखता है। पूरे देश में मोदी जी की व्यवस्था चल रही है, पूरा देश सबका साथ सबका विकास लेकर के मोदी जी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, योगी जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य वो पूरा हो रहा है, वो कार्य कर रहे हैं। जब वे अपने काफिले के साथ रवाना हो रहे थे, तभी कार में बैठते ही भाजपा नेता मंत्री से आशीर्वाद लेने के लिए उनकी चरण वंदना करते हुए भी दिखाई दिए। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। सपनों को तभी मिलेगी उड़ान, हम तभी होंगे कामयाब, जब होंगे हम शिक्षित। क्षेत्र का एकमात्र महिला महाविद्यालय मोती महिला महाविद्यालय, छतरपुर रोड मऊरानीपुर। विद्यालय प्रबंधक हरिश्चंद आर्य। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड मऊरानीपुर। किसानों का साथी आयशर ट्रैक्टर्स। आयशर का वादा उम्मीद से ज्यादा, ज्यादा पीटीओ एचपी, ज्यादा हाइड्रोलिक क्षमता, ज्यादा कमाई और ज्यादा भरोसा। गुप्ता ट्रैक्टर एजेंसी, प्रॉप राइटर शुभम गुप्ता, पठावाले वैद्य, झांसी रोड मऊरानीपुर। कोई भी न हो शिक्षा से वंचित, ऐसा संकल्प है हमारा। श्री राम महाविद्यालय बंगरा, संस्थापक एडवोकेट रविपाल सिंह यादव, अध्यक्ष अरविंद सिंह यादव, प्रबंधक इंजीनियर चंद्रपाल सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह यादव, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से संबद्ध। शादी हो या कोई समारोह, या करना हो जन्मदिन की पार्टी, आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार होटल पीएल, नगर का सर्वोत्तम गेस्ट हाउस। फूल सिंह यादव, पीएल गेस्ट हाउस मऊरानीपुर।